हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 221.70 रुपये पे। और स्टॉक में अगर सिक्स मंथ के रिटर्न की हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी तक 32% से ज़्यादा के रिटर्न हमें डिलीवर कर चुका है। और अगर लास्ट वन मंथ के रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 33% की तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिल चुकी है अभी तक। दोस्तों, अगर बात करी जाए वन ईयर की, तो यहाँ पे 134% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं स्टॉक में। स्टॉक के दोस्तों क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स भी आउट हुए थे, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स किस प्रकार से आए हैं। बात करी जाए इनकम फ्रॉम, यहाँ से अगर क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देखे जाएँ तो यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर वन में 520 करोड़ रुपीज़ के करीब में है और एक साल पहले दोस्तों 358 करोड़ रुपीज़ के करीब थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करें जहाँ 445 करोड़ रुपीज़ के अराउंड थे, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में। और वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इंटरेस्ट अर्न की, तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। एक साल पहले दोस्तों 2200 करोड़ के करीब में थे और करंट में 2800 करोड़ के करीब में है। और ऑपरेटिंग इनकम की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 536 करोड़ रुपीज़ के करीब में थे और अब इनमें 684 करोड़ रुपीज़ के अराउंड में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करी जाए तो ये भी आप देखेंगे कंटिन्यू ग्रोथ पर है। और वहीं प्रोविजंस की बात करी जाए तो करंट में 266 करोड़ रुपीज़ के करीब में है। और वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो एक साल पहले 208 करोड़ के करीब में प्रॉफिट चलता था बैंक का और अभी जो है 320 के करीब में चल रहा है और प्रीवियस क्वार्टर में 298 करोड़ के करीब था। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ पे है। तो इसी तरीके के जो स्टॉक होते हैं दोस्तों फ्यूचर में मल्टीबैगर बनते हैं। स्टॉक में एक महीने में हमें लगभग 30% से ज़्यादा के रिटर्न स्टॉक में देखने को मिले हैं। पहले एक पैटर्न बनता था तो आप देख सकते थे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा था। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे हर्डल फेस करता था और नीचे की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता था। तो आप देखिए यही पैटर्न इस स्टॉक में हमें देखने को मिला और यहाँ से यही इस पर सपोर्ट लेता था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कितना अच्छा निकला, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इस स्टॉक में हमें पैटर्न भी समझ में आ रहा है। तो क्वार्टर वन के नतीजे हैं दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट है इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेंगे 210 रुपीज़ का फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इसको बीच करता है तो 200 रुपीज़ का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 200 रुपीज़ के करीब में हमें डिप में ये स्टॉक मिले तो यहाँ से हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो जो ये ब्लू लाइन है ये 20 EMA का लेवल है दोस्तों, जो कि आ रहा है निकल के हमारा 200 रुपीज़ का। तो इस स्टॉक में अगर वीकनेस की बात करी जाए तो 200 रुपीज़ के नीचे स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।